अस्सलामुअलैकुम, टेस्टी बाइट विद शाजिया खान की तरफ से शाजिया खान हाजिर हैं। गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ गलावट वाला कीमा। गलावट वाला कीमा बना रहे हैं हम। ये 1.25 किलो कीमा है, ठीक है। ये 2 अदद हरी मिर्चें, 1 अदद का टुकड़ा थोड़ा सा हरा धनिया, लहसुन अदरक 3 चमचे, 2 चमचे पिसा हुआ पपीता, 1 पाव दही, कुछ मसाले यूँ हैं, ये चने हैं भुने हुए, इनके छिलके उतार लिए हैं, भुने हुए चने, गोल साबुत मिर्चे, 1 तेज़पत्ता पूरा, और ये है साबुत खड़ा गरम मसाले, 1/2 चमची जीरा और जायफल और जावित्री, ठीक है, 2 टुकड़े इसके और 1/2 ये छालिया के, और 3 अदद हरी इलायची। अब 2 अदद प्याज हमने बारीक इसको चॉप कर ली है। अब मसाले कुछ यूँ हैं, जीरा भून के पीस लिया है, साबुत धनिया मैंने इसको पीस लिया है मोटा मोटा, 1/2 चमची हल्दी है, 1/2 चमची कुटी मिर्चे है, 1/2 चमची पीसी मिर्चे है, नमक हसबे जायका। अब अगला स्टेप हम आपको बताते हैं क्या करना है। देखिए गाइस, कढ़ाई है, कढ़ाई में ये सारे साबुत जो मैंने मसाले आपको बताए थे ये इसमें फ्राई करूँगी। देखिए गाइस, ये भून रहे हैं मसाले हल्की आंच पे, और अब अजान हो रही है, हम अजान के बाद आपसे बात करते हैं। देखिए गाइस, ये मसाले भून लिए हैं हमने हल्के हल्के से, ये भून लिए, अब मैं इनको मिक्सर में डाल के इसको पीस लूंगी बारीक मसाला। जब तक मैं मसाला पीस रही हूँ, ये प्याज मैं इसमें फ्राई कर रही हूँ, मैंने कढ़ाई में ऑयल ले लिया, मैं इसमें प्याज डाल के प्याज फ्राई कर रही हूँ। जब तक मसाला पीसूंगी तब तक मेरी प्याज भी फ्राई हो जाएगी। अब हमने झटपट कीमे में मसाले लगाने हैं फटाफट। गाइस, अब हम प्याज हमारी फ्राई हो रही है, जब तक ये मसाले देखें मैंने पीस लिया इसको बारीक, ये मसाले मैं इसमें यूज कर लेती हूँ सारे, ठीक है। दही इसके अंदर ऐड कर देते हैं हम, ये सारे सूखे मसाले ये सब ऐड कर देते हैं इसके अंदर, लहसुन अदरक का पेस्ट, कच्चा पपीता, और अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। हाथ मैंने वॉश कर लिए हैं अपने, और अब हम इसको अच्छे तरीके से, क्योंकि ये मसाले हाथ की ही मदद से लगाए जाते हैं। ये देखिए गाइस, ये प्याज को हमने चूरा कर लिया फ्राई करके, अब मैं इसका चूरा इसके अंदर ऐड कर दूंगी। अच्छा, ये मैंने इसमें हरा धनिया और हरी मिर्चें भी ऐड की हैं, ठीक है। 2 अदद हरी मिर्चें बारीक चॉप करके और थोड़ा सा हरा धनिया मैंने ऐड किया है। अब मैं कीमे को और अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी, क्योंकि हमने ब्राउन करी हुई प्याज भी इसमें ऐड कर ली है, और ये बहुत मज़े का कीमा बनेगा गलावट वाला, क्योंकि मशीन का बारीक कीमा है और मैंने इसमें कच्चा पपीता भी मिलाया है, और इसको हम मसाले मिला के कम से कम 2 घंटे तो रखना है हमने लाजमी। और अगर आप रात में मसाला लगा के और डी फ्रीज़र कर दें और दूसरे दिन बनाए हुए तो बेस्ट है, बहुत बेस्ट है माशाल्लाह, फिर तो बहुत मज़े का बनेगा। और अभी भी मैं इसको कम से कम 2 घंटे इसको रखूँगी, क्योंकि कच्चा पपीता लगा हुआ है इसके अंदर। ये देखिए, ये सारे मसाले डन हो चुके हैं। इसके साथ मैं बनाऊंगी पूरी पराठा, इसमें मसाला लगा के रख दिया, अब मैं पूरियों का आटा गूंदूंगी आप लोग के सामने। गाइस, ये मैंने 1/2 किलो मैदा लिया है। पूरी पराठा बनाने के लिए हम मैदा लेंगे, गलावट वाले कीमे के साथ हम बनाएंगे पूरी पराठा। नमक मैंने हसबे जायका लिया है, जितना आप लोगों ने डालना है उतना लीजिएगा, मैं अपने हिसाब से ले रही हूँ, ठीक है। अब इसमें जाएगा घी, घी को मैंने गरम करके रखा था, ये हम पिघला हुआ घी डाल लिए थोड़ा सा इसके अंदर, बिल्कुल सॉफ्ट बनेंगी पूरियाँ हमारी। और अब मैं इसको हाथ की मदद से मिक्स कर लेती हूँ आहिस्ता आहिस्ता। हम ये डो तैयार कर रहे हैं पूरी पराठे की, और अच्छा रिजल्ट के लिए बिल्कुल सॉफ्ट बनेगी, आप 2 चमचे दही डाल दें इसके अंदर, आपकी पूरी बिल्कुल सॉफ्ट बनेगी, बहुत मज़ेदार बनेगी, कड़क नहीं होंगी वो। बाहर वालों की अगर ज़्यादा पतली हो जाए तो वो कड़क हो जाती हैं, ये कड़क नहीं होगी दही डालने से। 2 चमचे दही मिला दीजिए तो कभी कड़क नहीं होगी। मैंने इसको अच्छी तरह घी को मिक्स कर लिया है। देखिए, मैंने थोड़ा सा बेकिंग पाउडर लिया है, ठीक है, सोडा नहीं लिया, बेकिंग पाउडर लिया है।
जो केक वगैरह में यूज़ होते हैं मैंने वो लिया है थोड़ा सा, ठीक है। अब हम इसको हल्के हल्के हाथों से मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहेंगे और आटा गूंदते रहेंगे। ये इस तरह हो गया, मैं सिर्फ थोड़ी सी और मुट्ठियां मार देती हूँ, ठीक है। ज्यादा ना कर रहा है ना सॉफ्ट है, बिल्कुल दरमियाना है। ये देखिए ये चिकन मसाला आटा पूरी का तैयार हो गया है। अभी हम थोड़ा सा उसको और मल लेते हैं, ऐसे करके मलिएगा। ज़्यादा मुखिया मारने से ना आटा बहुत कर्रा हो जाता है, हमने बिल्कुल नरम और सॉफ्ट रखना है। तो जब हम इस तरह करेंगे तो आटा हमारा सॉफ्ट रहेगा, देखिए, ठीक है। इसको हम इस तरह मलेंगे और मल के ये देखिए। अब मैं इसमें घी लगा लेती हूँ, घी लगा लें या ऑयल लगा लें आपकी मर्जी है। ये देखिए ये सॉफ्ट सा ये आटा हमारा डन हो चुका है। अब हम इसको रख देंगे कपड़ा ढक के, गीला कपड़ा ढक दें या ढक्कन ढक दें, जो भी रख दें हम रख देते हैं। ये 2 घंटे हो गए हैं कि मेरे को मसाला लगे हुए। अब मैंने पतीली में कुकिंग ऑयल गर्म करने रख दिया है। ये देखिए ऑयल गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें कीमा ऐड करूंगी। देखिएगा कि मैंने डाल दिया है इसको, अब हम इसको भूनेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। और फिर मैं इसमें थोड़ा सा पानी लगा के इसको दबदे मारूंगी। अच्छी तरह भून लिया है, ठीक है। अब मैं इसमें पानी लगाऊंगी थोड़ा सा, ताकि ये गलेगा कीमा, ठीक है। मैंने इसमें पानी लगा के और अब मैं इसको दमचा लगा रही हूँ, क्योंकि इसमें कच्चा पपीता लगा हुआ है तो ये जल्दी गलेगा। इतना पानी बहुत है इसके लिए, और अब मैं ढक्कन ढक के इसको रखती हूँ। कीमे को देख लेते हैं क्या हाल चाल है क्या नहीं है, ठीक है। ये देखिए पानी खुश हो रहा है इसके अंदर और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है माशाल्लाह से। ये देखिए कीमा भी बहुत अच्छी तरह गल चुका है। ये देखिए मैं अभी इसको और ढक के पका लेती हूँ अच्छी तरीके से। जब तक अब दूसरे चूल्हे पे हमने तेल ऑयल करने के लिए रखा है, पूरियाँ तलेंगे हम। ये देखिए गाइस मैंने कढ़ाई में ऑयल गर्म करने रखा है, उधर कीमा हमारा डन हो रहा है, इधर मैं पूरियाँ तल लेती हूँ, ठीक है। फिर आप लोग को दिखाती हूँ। पेड़े इस तरह बना लिए हैं सारे, ठीक है। जितनी बड़ी पूरी आपने बनानी है उस हिसाब से पेड़े बनाए, तो मैंने दरमियाने साइज़ के बनाए हैं। अब मैं इस तरह चंगेरी बना के घी लगाना चाहे तो घी लगाना है, मुझे ज़रा खुशके से थोड़ा मैं सही रहती हूँ, मैं खुशका लगा के मेरी सही बन जाती हैं। अब हम ये पूरी को अपनी बेलेंगे। जाहिर है घर वाले कभी कभी बनाते हैं तो इतने प्रोफेशनल नहीं होते, बाहर वाले तो माशाल्लाह, मगर कोई इतना मुश्किल नहीं है। आप हर काम अपने घर में कर सकते हैं इजीली, और किसी भी साइज़ की आप पूरी बना सकते हैं, पूरी का कोई एक साइज नहीं होता। साइडों से दबाते जाएं इसे, और आपने गरम रखना है उसको, साइडों से दबाते जाएं। ये देखिए माशाल्लाह हमारी मज़ेदार से पूरी तैयार हो गई है। एक और हम बना के आपको दिखाते हैं ताकि अंदाज़ा हो जाए आप लोगों को थोड़ा सा।
पूरी पराठा बनाना है तो बड़ा पेड़ा ले लीजिए, और वो बड़ी पूरी आपके पटरे की साइज़ की बनके, मगर अभी हमारे पास कढ़ाई इतनी बड़ी नहीं थी तो इसलिए मैंने छोटी ही बनाई है। उनके पास तो बड़े बड़े कढ़ाई होते हैं तो कोई मसला नहीं होता। ये देखिए मैंने ये थोड़ी बड़ी बनाई है। देखिए माशाल्लाह भाई पूरी अंडा ने तैयार है हमारी पूरी। अब मैं करके दिखाती हूँ कि कीमा भी हमारा डन हो चुका है। ठीक है, कीमा मैंने अच्छे तरीके से भून लिया है इसको, ये डन है। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ठीक है गाइस, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। देखिए हमारा खाना डन हो चुका है, ये गलावट वाला कीमा, उसके बाद मैंने अदरक और हरे धनिया से गार्निशिंग करी है, ये पूरियाँ बनाई हैं मैंने घर में, पूरी पराठा बोले हैं, पूरियाँ बोल रहे हैं, सलाद है, ये रायता है, और यकीन जाने बहुत मज़े का लगेगा। ये पूरा दस्तरखान तैयार हो चुका है आपका, आपके घर मेहमान आए आप रात को मसाला लगा के रखते हो, सुबह इस तरह बना लें, बिल्कुल गलावट वाला कीमा बना है गला हुआ। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अपने दुआ में शाहजहाँ खान को याद रखिएगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन कीजिए, और अपने दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिए। अब आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।